हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज आपको चूज करना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले का कम हो और दूसरे का ज्यादा हो, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में जाके, मतलब लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो आपका साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब देखो पोटासियम है एंड पोटासियम केटायन है, तो कभी भी जब भी न्यूट्रल एटम होगा और उसका केटायन होगा तो केटायन हमेशा छोटा होगा। तो ए में जो करेक्ट साइज होगा वो, मतलब अगर लेफ्ट से राइट में अगर हम देखें तो के का साइज बड़ा होगा और के पॉजिटिव का साइज छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में देखें, सोडियम से सोडियम कैटायन जा रहा है तो अगेन सोडियम का साइज बड़ा होगा, सोडियम कैटायन का साइज छोटा होगा। द रीजन बींग द सेम कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एंड प्रोटॉन काउंट ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। ठीक है, सी में देखते हैं, सीएल पॉजिटिव से वो सीएल में जा रहा है, मतलब कैटायन से वो एटम में न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सीएल पॉजिटिव का साइज छोटा होगा और सीएल का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन तो करेक्ट है। जेड में देखो, डी में देखो, जेड में जेड एन क्या है, जेड एन क्या कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू पॉजिटिव में, तो अगेन केटाइन बन रहा है, न्यूट्रल एटम केटाइन बनता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। सो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।